तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता। यूपी में बीजेपी की सरकार बनते ही आजम खान पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। आजम खान पर 85 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और एक मुकदमे में तो उनका पूरा परिवार जेल में बंद है। तो वहीं एक और मुसीबत अब उन पर आन गिरी है। आजम खान पर शत्रु संपत्ति कब्जाने का एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। आईपीसी की धारा 447 व सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 2-3 में मुकदमा दर्ज है। थाना अजीम नगर में मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं आजम खान के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कानूनी एक्शन के बाद यूपी सरकार की तैयारी उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी को अपने कब्जे में लेने की बन रही है। इसी के तहत जिला प्रशासन ने राज्य शासन को रामपुर में स्थित जौहर यूनिवर्सिटी को शासी के नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव भेजा है। एडीएम सिटी के मुताबिक 9 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि जौहर यूनिवर्सिटी की कुल 78 हेक्टेयर जमीन में से 36 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सरकारी और सरकार से जुड़ी जमीनें हैं। इस यूनिवर्सिटी में जो पैसा लगा हुआ है उसमें 183 करोड़ रुपए में से 88 करोड़ से ज्यादा सरकारी पैसा इस्तेमाल हुआ है। यानी कहा जा सकता है आजम खान जेल में है और उनकी मुश्किलें वहाँ भी कम होने का नाम नहीं ले रही और अब उनके ड्रीम प्रोजेक्ट पर भी योगी सरकार की पैनी नजर है। आप इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा, साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।